Hello everyone and welcome to e-learning, and now we are going to take our next topic, that is profit and loss. Profit or loss yani lab aur hani ki baat hai. Definitely it is representing the factor of commerce with the factor of trade. To hum isko padhne ja rahe hain. Zyada tar aisa trade mein hota hai jab vyapar kiya jata hai. To dekhte hain introduction. Isko mein jo bhi liya gaya hai wo aapko padhna hai yahan se yahan tak pura. मैं आपको इसमें शॉर्ट में बताता हूँ. कॉस्ट प्राइस इज़ कॉल्ड CP, सेलिंग प्राइस इज़ कॉल्ड SP, और कोई भी चीज़ जब प्रॉफिट पे सेल होगी डेफिनेटली सेलिंग प्राइस विल बी ग्रेटर. कोई भी चीज़ जब हम लॉस इंक्लूड करेंगे किसी में भी तो डेफिनेटली कॉस्ट प्राइस इज़ ग्रेटर, यानी ज़्यादा में ख़रीदा गया कम में बेचा गया. यहाँ पर ज़्यादा में बेचा गया और कम में ख़रीदा गया. तो SP इज़ इक्वल्स टू CP प्लस प्रॉफिट एंड SP इज़ इक्वल्स टू CP माइनस लॉस. In case of having the profit, when we want to get SP, we will have to add profit with CP. And in the case of loss, when we want to get SP, so we will have to subtract loss from the CP. इसका example दिया गया है. What is the profit or loss when a pair of shoes bought for 360 rupees is sold for rupees 400? इसमें percentage में नहीं पूछा गया. देखिए 360 में कोई चीज़ खरीदी गई pair of shoes और 400 में उसको sell किया गया. तो अब हम लोग जानते हैं कि SP इज़ ग्रेटर, तो हमारा प्रॉफिट हुआ होगा. प्रॉफिट कितने का हुआ होगा? SP माइनस CP, तो 40 रुपीज़ का हमारा यहाँ प्रॉफिट हो गया. उसके बाद CP देख सकते हैं आपके, CP दिया गया 250 रुपीज़ का, SP दिया गया 220 रुपीज़ का. तो CP ज़्यादा है, डेफिनेटली वी विल गेट लॉस हियर यहाँ. तो अब हम देखेंगे कि CP माइनस SP करने पर हमें रुपीज़ 30 मिला. तो 40 रुपीज़ का प्रॉफिट था फॉर द फर्स्ट नंबर एंड 30 रुपीज़ का लॉस था फॉर द सेकेंड नंबर. इसी तरीके से आपके जो आगे एग्जाम्पल्स हैं आप देख सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं. वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पेज नाउ. नाउ वी विल लर्न हाउ टू गेट द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज कैसे निकालते हैं? देखिए फॉर्मूला लिखा है, डिस्क्रिप्शन आप पढ़ लीजिएगा यहाँ से यहाँ तक, अदरवाइज़ वीडियो बहुत लेंदी हो जाता है. डिस्क्रिप्शन आपके आपके पास बुक अवेलेबल है, पहले बुक नहीं था तो मैंने बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब किया हुआ था सब कुछ. अब आपके पास बुक अवेलेबल है तो मैं आपको मेन पॉइंट्स ही क्लियर करूँगा यहाँ पे कि प्रॉफिट का जो परसेंटेज है वो निकलता है टोटल प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करने से, और लॉस का जो परसेंटेज है वो निकलता है टोटल लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करने से. ये दोनों फॉर्मूले बहुत ज़्यादा आपके यूज़फुल हैं और इनको आपको लर्न करना है, लर्न बाई हार्ट, ताकि आप ज़रूरत पड़ने पर इनको बिना बुक से देखे लगा सकें. कई बार बच्चे ऐसा करते हैं कि बुक से देख करके फॉर्मूले लगा देते हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं. बट यू नीड टू रिमेंबर दैट वेन एवर यू आर गोइंग टू गिव द टेस्ट और वेन एवर यू आर गिविंग द एग्जामिनेशन, सो इन दैट इन एग्जामिनेशन हॉल यू आर नॉट हैविंग योर बुक्स, यू आर ओनली हैविंग योर ब्रेन एंड योर हार्ट. तो जो आपने याद किया होगा, जो आपके दिमाग में होगा, वही केवल आप कर पाएंगे. तो ये फॉर्मूले लर्न करना आपको कंपलसरी है. और उसके बाद करते कैसे हैं, ये एग्जांपल 4 के थ्रू मैं आपको बताऊंगा. फाइंड द गेन परसेंट इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज़ 300 एंड एक्चुअल गेन इज़ रुपीज़ 15. अब गेन हुआ 15 का और कॉस्ट प्राइस था 300. गेन परसेंट के लिए हमने फार्मूला लगाया गेन अपॉन CP इंटू 100. फार्मूला सॉल्व किया, 5% का गेन हमको पता लग गया. देखिए क्वाइट ईजी है, क्योंकि अगर फार्मूला याद था तो बहुत ईजी है, फार्मूला याद नहीं था तो आप परेशान हो जाएंगे. इसके बाद इसका एक और एग्जांपल है, मैं आपको वो दिखाता हूँ. फाइंड द लॉस परसेंट इफ़ द सेलिंग प्राइस इज 20 एंड द टोटल लॉस इज़ 5. अब आपको SP दिया है वो 20 रुपीज़ है, लॉस दिया है वो 5 रुपीज़ है. अगर आपको फार्मूला जो लगाना है उसमें SP होता तो वी कैन यूज़ द डिजिट्स डायरेक्टली, बट फार्मूले में डिजिट डायरेक्टली नहीं होती. तो अब क्या करना है, CP निकालने के लिए SP प्लस लॉस करेंगे तो CP हमारा आ जाएगा 25. अब 25 यहाँ रखेंगे, लॉस अपर साइड पर रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करके पता लगाएंगे दैट वी हैव गॉट 20% लॉस इन दिस ट्रांजैक्शन. देखिए इसमें आपने अगर डायरेक्टली 20 को डिनोमिनेटर रखा होता तो वो सेलिंग प्राइस था, वो कॉस्ट प्राइस नहीं है. ज़्यादातर केसेस में चिल्ड्रन डू द सेम मिस्टेक, सो कीप दिस फैक्ट रिमेंबर इन योर माइंड. ये फैक्ट आप याद रखिएगा अपने माइंड में कि हमको ध्यान रखना है फार्मूला, जैसा कि अभी मैंने आपको यहाँ पर ऊपर बताया था. ये जो फार्मूला है ये आपको फार्मूला लर्न रखना है. इसमें कौन कौन से टर्म यूज़ हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल फार्मूला है, तो आपको याद रखना है. नेक्स्ट पेज है हमारा जहाँ पर हमको कुछ और चीज़ बताई गई है. नेक्स्ट टॉपिक है टू फाइंड SP व्हेन CP एंड गेन आर
और लॉस परसेंट आर गिवन. हमको तब एसपी फाइंड करना है जब सीपी और गेन या लॉस का परसेंटेज दिया. तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ. फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ़ द कॉस्ट प्राइस इज़ रुपीज़ 20.25 एंड गेन इज़ 10%. 10% गेन मीन्स 10% गेन का मतलब हो गया कि जो हमारा सीपी है यानी कॉस्ट प्राइस है वो 100 है और सेलिंग प्राइस अगर इससे हम निकालेंगे तो हमारा 110 हो जाएगा. ये दोनों ही चीज़ें दी नहीं हैं बट हमने एज्यूम करी हैं कि 100 रुपीज़ अगर हमारा सीपी है और 10% का प्रॉफिट होगा तो हमारा सेलिंग प्राइस ऑटोमेटिक 110 हो जाएगा. और इसके थ्रू हम यूनिटरी से अपना सॉल्व कर लेंगे कि जब सीपी 100 है द एसपी इज़ रुपीज़ 110. इफ़ द सीपी इज़ रुपीज़ 1, अगर सीपी 1 हो जाएगा तो एसपी विल बी 110 अपॉन 100. एंड इफ़ द सीपी इज़ रुपीज़ 20.25 देन द एसपी इज़ रुपीज़ 110 अपॉन 100 इंटू 20.25. एंड बाई सॉल्विंग दिस वी विल गेट द नंबर दैट इज़ रिटन अप्रॉक्सीमेटली बिकॉज इन थ्री डेसिमल प्लेसेस वी विल नॉट हैव इन रुपीज़ में थ्री डेसिमल प्लेसेस नहीं होंगे. वी नीड टू राइट ओनली इन टू प्लेसेस. सो लास्ट वन इट वॉज 5 सो वी हैव रिमूव्ड इट एंड जस्ट इंक्रीज 1 to 7 दैट विल बी 22.28. नेक्स्ट है टू फाइंड सी पी वैन एस पी एंड गेन और लॉस परसेंट आर गिवेन. फाइंड द कॉस्ट प्राइस इफ द सेलिंग प्राइस इज रुपीज 8 एंड द लॉस इज 20%. सो हाउ वुड वी डू इट, वी विल डू इट by assuming that if 20% loss means CP is 100, so SP will be 80. Now we will have to turn these lines. If the SP is 80, CP is 100. If SP is 1, CP is 100 upon 80. If SP is rupees 8, then CP will be 100 upon 80 into 8. And for this calculation, we will get rupees 10. तो ये जो एग्जांपल्स आपको बताए गए हैं इनके अलावा पूरे एग्जांपल्स आप एक बार पढ़ लीजिएगा. इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम वी विल डिस्कस. नाउ नेक्स्ट इज़ अवर एक्सरसाइज 9C और ये आपको पूरा का पूरा कंप्लीट करना है. वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. बाय.